और बता दें कि अलवर जिले के मंडावर से बीजेपी विधायक धर्मपाल चौधरी का आज निधन हो गया है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में धर्मपाल चौधरी ने अंतिम सांस ली। तो सीधी तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं, कुछ ही देर में मुखाग्नि यहां पर धर्मपाल चौधरी को दी जाएगी। बता दें बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने और तहेदिल से श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। धर्मपाल चौधरी वो शख्सियत जो अपनी कर्मठता के लिए याद रखे जाएंगे। सीधी तस्वीरें फिलहाल आपके टीवी स्क्रीन्स पर हैं। बता दें कि जिस तरह के कार्य धर्मपाल चौधरी ने किए हैं, उन कार्यों की वजह से लोगों की जहन में उनकी यादें हमेशा ताज़ा रहने वाली हैं, चाहे वो विकास कार्य आमजन के लिए हो। सावधान गार्ड बगल चेस्ट गार्ड विसर्जन सभी कृपा करके थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएंगे। समाधि स्थल से मुखाग्नि देने में थोड़ी पूरे सम्मान के साथ यहां पर अंतिम विदाई धर्मपाल चौधरी को दी जा रही है। बता दें कि कद्दावर नेता थे और गुरुवार की सुबह दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ। धर्मपाल चौधरी को सीने में दर्द के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और उपचार के दौरान उन्होंने करीब सुबह 3 बजे अंतिम सांसें ली। फिलहाल जनसैलाब उमड़ा हुआ है। अपने प्रतिनिधि का, अपने नेता का यहाँ पर श्रद्धांजलि के साथ अंतिम विदाई उन्हें देने। बता दें अलवर राठ क्षेत्र के जाट नेताओं में धर्मपाल चौधरी का सिक्का हमेशा से माना जाता रहा। धर्मपाल चौधरी साल 2003, 2008 और 2014 में भाजपा से विधायक पद के लिए चुने गए थे और भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही उन्हें संसदीय सचिव भी बनाया गया, राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं जिस तरह से लोग यहां पर पहुंचे हैं,
भले ही आम लोग हो, आमजन हो, बड़ी संख्या में पहुंचे हैं क्योंकि अपनी कर्मठता के लिए मशहूर थे। जब भी लोग अपनी परेशानियां उनके पास लेकर जाया करते थे, कहीं ना कहीं उन परेशानियों को सुनकर उनका हल निकालने की कोशिश यहाँ पर हमेशा करते थे। जिस तरह हमारे संवाददाता बाबूलाल की बातचीत करते नजर आ रहे थे जब आम लोगों से इसका जिक्र उन्होंने किया। धर्मपाल चौधरी अमर रहे, 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 धर्मपाल चौधरी अमर रहे। यहां पर मुखाग्नि धर्मपाल चौधरी को दी दी गई है। धर्मपाल चौधरी अमर रहे, धर्मपाल चौधरी अमर रहे। देख सकते हैं जिस तरह से अंतिम विदाई यहां पर दी जा रही है, मुखाग्नि दे दी गई है। लोग जिस तरह से इस अंतिम विदाई के दौरान नारे लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने जहन में, अपने दिलो दिमाग में हमेशा अपने इस नेता की छवि ताजा रखेंगे और इसी तरह का नारा भी यहां लगाते नजर आ रहे हैं। तो बता दें, मुखाग्नि दे दी गई है और जिस तरह से लोगों ने यहां पर अंतिम विदाई दी है, ये वही लोग हैं जो कभी अपने काम लेकर, अपनी परेशानियां लेकर धर्मपाल चौधरी के पास पहुंचा करते थे और उन परेशानियों का हल धर्मपाल चौधरी निकाल दिया करते थे और इसी तरह से सभी के दिलों में उन्होंने जगह बनाई। और यही असर है उस जगह का कि आज उनके लिए नारे लगाए जा रहे हैं। अंतिम विदाई जब ये लोग दे रहे हैं तो धर्मपाल चौधरी अमर रहे ऐसा कह रहे हैं। जाहिर तौर पर अपने जहन में, अपने दिलो दिमाग में उनकी छवि को हमेशा तरोताजा यहां पर रखेंगे और इसी तरह के नारे भी यहां पर लगाए जा रहे हैं। जिस दौरान हमारे संवाददाता बाबूलाल यहां पर लोगों से बातचीत करते नजर आ रहे थे, चाहे आम लोग हों, चाहे खास लोग हों, तमाम दिग्गज हों, जो भी पहुंचे, सभी एक ही बात बार बार दोहरा रहे थे कि बहुत ही मृदुभाषी थे और बहुत ही सरल स्वभाव के का उनका व्यक्तित्व रहा। और चाहे कार्य कोई भी हो, पूरी निष्ठा और पूरी कर्मठता के साथ उन्होंने हमेशा अपने उन जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, उन कार्यों को पूरा किया जो भी उनके समक्ष हमेशा खड़े रहे, जो भी जिम्मेदारियाँ उनके कंधों पर रही। बढ़ते हैं आगे। राजधानी में पुलिस निगम गैस कंपनियों की नाक के नीचे अवैध रिफिलिंग का गोरख धंधा जोरों पर चल रहा है। आज विद्याधर नगर सेक्टर 8 में अवैध रिफिलिंग के दौरान 5 सिलेंडर एक के बाद एक फट गए, जिसमें 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं अवैध रिफिलिंग के दौरान कार भी चपेटे में आ गई। जिस मकान में ये रिफिलिंग हो रही थी, उसे रिफिलिंग करने वाले व्यक्ति ने किराए पर ले रखा था। आसपास के लोगों को अवैध रिफिलिंग की जानकारी थी, लेकिन वो इसे दबा कर बैठे रहे, जिसका परिणाम ये है कि आज ये बड़ा हादसा हुआ। पूरा कमरा चल गया है।
एक तो लड़का के लगी है बड़ा 18 साल का है और पूरी बाई के बाल और कपड़े लगते सब जल गए और सारा सामान भारतीय बाई का तो और सोनू ये लड़के का नाम वो एक तो पढ़ रही थी वो परीक्षा दे के आके पढ़ रही थी और एक छोरा तो अभी 8:30 पे जाके आता है रात को पता नहीं था अवैध रिफिलिंग हो रही है नहीं अरे पता नहीं था भाई साहब हमारे को रोज पता था रोज बोलते हम उसको रोज बोलते भाई ये काम इधर मत करो सक्सेना जी का है हम उसको रोज बोलते थे भाई ये काम इधर मत करो बोले आप घबराओ मत कुछ नहीं होगा बहुत बदबू आती थी गैस में खोलते बदबू एक दूसरे में करते थे ये और सप्लाई करते ये।